Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with the second part of States of Matter. तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम गैशियस स्टेट को पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन हम गैशियस स्टेट कंप्लीट करेंगे ही, जिससे सब चीज़ एक साथ क्लियर हो जाए एक स्टेट से रिलेटेड, ठीक है? सो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो आप उसका इंस्टेंट वीडियो सोल्यूशन पा सकते हो एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है डाउटनट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वो ऐप आप कैसे यूज़ कर सकते हो और उसके और भी क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहाँ आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट, तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहले हम पढ़ेंगे कि गैशियस स्टेट है क्या। सो ये सिंपलेस्ट स्टेट है मैटर का, और पूरी लाइफ में अगर हम देखें तो हम एटमॉस्फेयर से सराउंडेड हैं, और एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस का एक कलेक्शन है, मिक्सचर है गैसेस का। तो हमारी पूरी लाइफ हम एक गैशियस स्टेट में बिताते हैं एक तरह से, आसपास जो है हमारी गैशियस स्टेट रहती है। दूसरी तरफ जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसमें हम रह रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर भी वही है, एक मिक्सचर है गैसेस का। नाउ जो थिन लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, अगर वो नहीं हो तो हम जी नहीं पाएंगे। ये हमें जो हमारे सन है उसके हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाती है, यूवी रेडिएशन से बचाती है एटमॉस्फेयर की लेयर जो है, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो हमें बचाता है। फिर डाइऑक्सीजन होता है इसमें, डाइनाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। लेकिन हम आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि गैशियस स्टेट में रहते हैं नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, उनका बिहेवियर क्या रहता है वो देखने वाले हैं। तो एक आपको मैं पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूँगी, जिसमें 11 एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो हैं हमारे ये एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब सारी तो नोबल गैसेस आ गई हमारी। उसके अलावा हमारे दो हैलोजेंस हैं, एक चालकोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये 11 एलिमेंट्स हैं जो हमारे गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब जो गैशियस स्टेट है उसको हम कैरेक्टराइज कैसे करें, तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके थ्रू हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहला है, गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, उन्हें आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो। फिर जो गैसेस हैं वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, ये नहीं कि किसी डायरेक्शन में अलग कर दिया, जैसे एक कंटेनर में बंद है, तो वो हर डायरेक्शन में एक इक्वल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करें। फिर जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो सॉलिड्स और लिक्विड से काफ़ी कम होती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, वॉल्यूम और शेप जो है गैसेस की वो फिक्स नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम उनको डाल देंगे वो उसी की शेप को अज्यूम कर लेंगी। हम सिलेंडर में डाल देंगे तो उनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल हो जाएगी, हम किसी स्फेयर में डाल देंगे तो स्फेरिकल हो जाएगी, तो इस तरीके से होता है। देन गैसेस जो हैं वो इवनली मिक्स होती हैं और कम्प्लीटली मिक्स होती हैं सारे प्रपोर्शंस में, कोई मैकेनिकल एड की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें उसमें किसी चीज़ को घुलाना पड़ेगा, वो अपने आप इवनली और कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है? तो ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम गैशियस स्टेट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। Now, simplicity of gases is due to the fact that the forces of interaction between their molecules are negligible. अब gases इतनी simple क्यों होती है? उनकी simplicity इस fact पर depend करती है कि उनके जो molecules होते हैं उसके बीच में force of interaction जो है वो negligible होते हैं, almost nil होते हैं, इस वजह से वो simplest होती हैं। Now, their behavior is governed by some general laws which were discovered as a result of their experimental studies. तो जब हमने gases की experimental studies करना चालू करी तो हमें कुछ लॉज देखने को मिले जिनके थ्रू हम उनके बिहेवियर को गवर्न कर सकते हैं। ये लॉज जो हैं, दे आर रिलेशनशिप्स बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जो गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं ये लॉज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, मास हुआ, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारे गैस की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज वेरिएबल्स लीड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ गैस लॉज, और इन वेरिएबल्स की इंटरडिपेंडेंस की वजह से गैस लॉज जो है वो हमारे बनाए गए हैं। अब हम उन गैस लॉज के बारे में बात करेंगे।
तो काफी इंपॉर्टेंट है सारे गैस लॉज, इसलिए अच्छी तरीके से सुनना। नाउ जो गैस लॉ हम स्टडी करेंगे वो किस वजह से आए हैं, बहुत सारी रिसर्च कैरी आउट की गई अलग अलग सेंचुरीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी गैसेस की उनको लेके, तो उनके बेसिस पे ये गैस लॉज बनाए गए हैं। जो पहला रिलायबल मेजरमेंट हुआ था गैसेस की प्रॉपर्टी पे वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था 1662 में, और उन्होंने क्या लॉ दिया था, बॉयल्स लॉ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद और भी लॉज जो हैं वो बनाए गए जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। तो ये लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम। तो उसने क्या कहा कि अगर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ तो जो हमारा प्रेशर है एक फिक्स्ड अमाउंट का वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा, यानी कि पी विल बी प्रपोर्शनल टू 1/V। अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है और कॉन्स्टेंट हमारा एन है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको अगर हमें इक्वेशन में डालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल्स टू K1 1/V। K1 जो है वो प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हो गया। अब जो K1 की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि गैस का अमाउंट कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है, और किस यूनिट में P और V को एक्सप्रेस किया गया है। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है PV इज इक्वल्स टू K1। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट रहेगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। नाउ इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 अंडरगोज एक्सपेंशन सो दैट वॉल्यूम बिकम्स V2 एंड प्रेशर बिकम्स P2, then according to Boyle's law P1V1 is equals to P2V2 is equals to constant. तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक fixed amount of gas है और temperature भी constant है यानी कि T, और वो volume occupy कर रहा है V1 और pressure है उसका P1, अब उसमें कुछ expansion होता है और उसकी volume V1 से बढ़ के हो जाती है V2 और pressure हो जाता है P2, तो जो P1V1 यानी कि जो initial pressure और volume होंगे वो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम के बराबर होंगे और वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि P1/P2 विल बी इक्वल्स टू V2/V1। तो ये उल्टा रहेगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1। अब मैं आपको दो ग्राफ शो करने जा रही हूँ जिसके थ्रू हम बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा पहला ग्राफ और ये है हमारा दूसरा ग्राफ, तो इन दोनों ही से हम बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा पहला ग्राफ है इसको हमने नाम दे दिया A, और ये जो दूसरा है इसको हमने नाम दे दिया B। तो जो हमारा A वाला ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है, वो है हमारा PV इज इक्वल्स टू K1 वाली जो इक्वेशन लिखी थी हमने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो K1 की वैल्यू जो है हर एक कर्व के लिए वो डिफरेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, मतलब कि अगर हमारा मास सेम है तो वो जो कर्व है या जो K1 है वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से वेरी करेगा। नाउ ईच कर्व कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इज नोन एज एन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। तो हर एक कर्व जो है, जैसे ये कर्व है तो इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है हमारा 600 केल्विन पे हमें ये वाला K1 देखने को मिलेगा, 400 केल्विन पे हमें ये वाला K1 देखने को मिलेगा, और 200 केल्विन पे हमें ये वाला K1 देखने को मिलेगा। तो ये बता रखा है, तो हर एक कर्व जो है वो आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोथर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर का जो प्लॉट बनाते हैं हम उसको बोलते हैं आइसोथर्म। ना हायर कर्व जो है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर हाई है, जैसे कि ऊपर है ये तो ये 600 केल्विन का है, नीचे है तो ये 200 केल्विन का है। अब एक चीज़ हमें यहाँ नोट करनी है, दैट वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स इफ प्रेशर इज हाफ। तो अगर प्रेशर को हमने हाफ कर दिया तो जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाती। नाउ जो ये वाला ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V, यानी कि पी जो हमारा प्रोपोर्शनल रहता है 1/V से, तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो वही चीज़ आ रही है, हमारी स्ट्रेट लाइंस आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। हालांकि जो हायर टेम्परेचर है हमारा, इसमें क्या है, T1 T2 T3 तीन टेम्परेचर्स दे रखे हैं, जिसमें T3 सबसे बड़ा है, फिर T2 है और फिर T1 है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गैसेस जो है वो बॉयल्स लॉ से डेविएट कर जाएंगी, और इन कंडीशंस के अंदर स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हालांकि ये वाला जो है उसमें तो स्ट्रेट लाइन ऑप्टेन हो रही है क्योंकि इसमें प्रेशर हमने कम लिया है, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे
तो स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगी. नाउ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बॉयल्स इन अ क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस. तो बॉयल्स के एक्सपेरिमेंट ने हमें ये प्रूव कर दिया क्वांटिटेटिव तरीके से कि गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं. क्यों? क्योंकि जब हमने एक गिवन मास लिया गैस का और उसको कंप्रेस किया तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उन्होंने एक छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. दिस मींस जो गैस है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वो डेंस होती जाएंगी. जैसे सपोज करो ये एक हमने कंटेनर ले लिया, इसमें ये हमने पिस्टन लिया, इसमें इतना स्पेस था, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स थे तो ये खुली खुली थी. अब हम इस पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक छोटी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और हमारी जो गैस है वो डेंस हो जाएगी. नाउ अ रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ. और बॉयल्स लॉ को यूज करके जो डेंसिटी और प्रेशर है गैस की उसके बीच में हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. सो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेंसिटी डी जो है वो मास बाय वॉल्यूम से रिलेटेड होती है. अब अगर हम यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में, इस एम बाय वी में हम बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशन से लेके वी की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी विल बी इक्वल्स टू एम बाय के वन पी, क्योंकि वी की वैल्यू क्या है, के वन बाय पी है वी की वैल्यू. तो ये हो जाएगा हमारा एम पी बाय के वन यानी कि के डैश पी. हमने एम बाय के वन को के डैश ले लिया, ठीक है. तो ये क्या दिखा रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हमारे पास जो गैस है उसका एक फिक्स्ड मास है तो. ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला लॉ. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ पे जो कि है चार्ल्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप. तो चार्ल्स और गे लुसाक जो है उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए गैसेस पे, लेकिन अलग अलग इंडिपेंडेंटली किए थे उन्होंने, जिससे जो हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी है उसे वो इम्प्रूव कर सके. ना उनकी इन्वेस्टिगेशंस ने शो किया कि एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. तो इसमें उन्होंने किस चीज़ को फिक्स रखा है, मास ऑफ गैस को और प्रेशर को. तो उन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बात की. तो उन्होंने ये पता किया कि जैसे जैसे एक डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है जो वॉल्यूम है गैस का वो 1/273.15 से इंक्रीज हो रहा है. यानी कि जो वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम उसमें हमने अगर ये प्लस कर दिया तो एक डिग्री टेम्परेचर पे वो राइज हो जाएगा. ठीक है, सो अगर वॉल्यूम जो है गैस की 0 डिग्री सेल्सियस पे और टी डिग्री सेल्सियस पे वी जीरो और वी टी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी टी विल बी इक्वल्स टू वी जीरो प्लस टी बाय 273.15 वी जीरो. यानी कि इसको कैसे लिखेंगे हम, वी टी इज इक्वल्स टू वी जीरो कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस टी बाय 273.15 अलग से रहे. तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वी टी इज इक्वल्स टू वी जीरो 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15. सो एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर such that T degree Celsius on new scale is given by T is equals to 273.15 plus T and 0 degree Celsius will be given by 273.15. तो यहाँ पे हम एक नया स्केल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं जिसमें अगर हम T degree Celsius पे टेम्परेचर देखें तो वो क्या होगा, T will be equals to 273.15 plus T और अगर हम 0 degree Celsius पे देखें तो वो होगा T0 will be equals to 273.15. ये जो नया टेम्परेचर स्केल है इसको हम बोलते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. अब जो 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल पे वो केल्विन स्केल पे या एब्सोल्यूट स्केल पे कितना होगा, 273.15 केल्विन. अब ये जो डिग्री साइन है ये यूज नहीं करते हम जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे या केल्विन स्केल पे टेम्परेचर लिख रहे हैं. अब केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर जो है उसको हम थर्मोडायनामिक स्केल भी बोलते हैं टेम्परेचर का और वो हमारे सारे साइंटिफिक वर्क्स में काम में आता है. 273.15 से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए हम 273 जो है वो ऐड करते हैं सिंपली. तो अगर हमें ये लिखना है कि टी जो है वो इसके बराबर है और टी जीरो जो है वो इसके बराबर है तो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वी टी इज इक्वल्स टू वी जीरो. अब 273.15 प्लस टी किसके बराबर है, T1 के बराबर है तो T1 हमने यहाँ लिख दिया अपॉन जो हमारा 273.15 है वो किसके बराबर है, T0 के बराबर, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया.
तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी टी बाय वी जीरो इज इक्वल्स टू टी वन या टी टी ले लो बाय टी जीरो। तो एक जनरल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे अगर हम ले तो वी टू बाय वी वन इज इक्वल्स टू टी टू बाय टी वन, ठीक है। या फिर इसको हम वी वन, अगर हम वी वन को ऊपर लेना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वी वन बाय टी वन इज इक्वल्स टू वी टू बाय टी टू, यानी कि v by t जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू k2। तो k2 के बराबर है तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो गई, k2 t, ठीक है। सो कांस्टेंट जो है हमारा k2, उसकी वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है, जो प्रेशर है गैस का, जो अमाउंट है गैस का, और जिस यूनिट में हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे k2 की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। अब ये वाली जो इक्वेशन आई हमारी v इज इक्वल्स टू k2 t, ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, दैट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चार्ल्स ने एक और चीज पता की कि सारी गैसेस जो हैं उनके लिए एक गिवन प्रेशर पे अगर हम ग्राफ निकालें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और उसको जब हम जीरो वॉल्यूम पे एक्सटेंड करेंगे तो हर लाइन जो है वो टेम्परेचर एक्सिस को -273.15 डिग्री सेल्सियस पे इंटरसेप्ट करेगी। अब वो ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है वो ग्राफ। तो ये देखो -273.15 पे ये इंटरसेप्ट कर रही है हर एक लाइन, स्लोप जो है लाइन का ऑब्टेन कर रहे हैं हम अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग है वो, लेकिन जीरो वॉल्यूम जो है वो 273.15 पे ही आ रही है। और इस ग्राफ की जो हर लाइन है यानी कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की, उसको हम बोलेंगे आइसोबार। नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स कैन बी इंटरप्रेटेड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन एज -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये चार्ल्स के ऑब्जर्वेशन हम ही जब ही इंटरप्रेट कर पाए जब हमने टी की जो वैल्यू है हमारी इस वाली इक्वेशन में डाली, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी इसमें। अब हमें ये पता चल गया कि जो वॉल्यूम है गैसेस की -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वो जीरो रहती है। इसका मतलब क्या है, जो गैस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इनफैक्ट जितनी भी गैसेस हैं इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाएंगी। जो लोएस्ट हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर है जिसपे गैसेस जो है वो जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ऐसा हम मानते हैं जिसपे, वो एब्सोल्यूट जीरो होता है। और जितनी भी गैसेस हैं वो चार्ल्स लॉ को ओबे करती हैं बहुत ही लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ पे जो कि है गे-लुसैक्स लॉ, जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप लॉ भी बोलते हैं। नाउ प्रेशर इन वेल इन्फ्लेटेड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, बट ऑन अ हॉट समर डे दिस इंक्रीज इज कंसिडरेबली एंड टायर में बस्ट इफ प्रेशर इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली। तो होता क्या है, आप लोगों के घरों में भी बाइक्स, कार्स, स्कूटर्स, स्कूटीज जो भी हैं वो होंगे, तो जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे उनमें प्रेशर जो होता है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे एक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको ढंग से एडजस्ट नहीं किया गया, जैसे आप हवा भरवाने गए, हवा वाले ने ज़्यादा हवा भर दी, तो आपका टायर जो है वो फट भी सकता है, बर्स्ट हो सकता है। लेकिन विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वो दी थी जोसेफ गे-लुसैक ने, और इसका नाम दिया गया गे-लुसैक लॉ। क्या था ये गे-लुसैक लॉ, इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। तो उन्होंने कहा कि अगर हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखें तो जो प्रेशर है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली वेरीज करता है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू के थ्री टी, या फिर P बाई टी इज इक्वल्स टू के थ्री। अब ये रिलेशनशिप जो है उसे हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। अब एक ग्राफ दिखा रही हूँ आपको प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ग्राफ है, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में है उसमें, तो वो कॉन्स्टेंट मोलर वॉल्यूम पे है हमारा ये, और इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोकोर। तो जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था तो उसको हमने बोला आइसोथर्म, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट था तो वो ग्राफ रहा हमारा आइसोबार, और अब हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये रहेगा आइसोकोर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें दिखाई दे रहा है प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, वॉल्यूम जो है V4 ज्यादा है, V3 कम है, V2 उससे कम है और V1 सबसे कम है।
इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें, क्योंकि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के. ओके क्लियर है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ पे, जो कि है एवोगाड्रो लॉ, जिसको हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप बोलते हैं. सो 1811 में इटालियन साइंटिस्ट थे एमेडियो एवोगाड्रो. ही ट्राइड टू कंबाइन कंक्लूजन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड गे लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, विच इज नाउ नोन एज एवोगाड्रो लॉ. तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था 11th केमिस्ट्री का, बेसिक कंसेप्ट वाला, उसमें हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी थी और गे लुसाक्स लॉ भी पढ़ा था कंबाइनिंग वॉल्यूम का. तो एवोगाड्रो ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके और उन्होंने एक लॉ निकालना चाहा, जिसको आज हम एवोगाड्रो लॉ के रूप में जानते हैं. अभी एवोगाड्रो लॉ है क्या, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. उन्होंने कहा कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम लें सारी गैसेस की और कंडीशन जो है टेम्परेचर की सेम हो, प्रेशर भी सेम हो, तो उन सब में इक्वल नंबर रहेगा मॉलिक्यूल्स का. इसका मतलब क्या है, दैट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट, द वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और इन अदर वर्ड्स अमाउंट ऑफ गैस. इसका मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो जो वॉल्यूम है हमारी गैस की वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पे या फिर अमाउंट ऑफ द गैस पे. मतलब वी विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस. इसका मतलब वी क्या हो जाएगा, के फोर एन. अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल गैस में, उसे हम कितना लेते हैं, 6.022 × 10⁻², जिसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो इसी को हम वन मोल भी बोलते हैं. अब सिंस वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, वन मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एसटीपी, विल हैव सेम वॉल्यूम. अब क्या है, वॉल्यूम जो है गैस की वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है. इसका मतलब हर एक मोल जो होगा एक गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी. नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है, 273.15 केल्विन का टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और जो प्रेशर होगा वो हमारा होगा 1 bar का, यानी कि ऑलमोस्ट 10⁵ pascal. नाउ दीज वैल्यूज अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल. तो ये वैल्यूज जो है वो किस से कॉरस्पॉन्ड करती हैं, जो हमारा वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर है और हमारा जो सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो. तो 0 degree Celsius हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है वाटर का, और 1 bar जो है वो हमारे सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है. अब जो एसटीपी है हमारा, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, उस पे जो मोलर वॉल्यूम होगी एक आइडियल गैस की या कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस की, वो कितनी होगी, 22.71098 लीटर्स पर मोल. ये मोलर वॉल्यूम रहेगी एक आइडियल गैस की, या अगर आइडियल गैसेस का कॉम्बिनेशन है तो उसकी भी. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज एन इज इक्वल्स टू एम बाय कैपिटल एम. अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, जिसमें जो छोटा वाला एम है ये मास है गैस का अंडर इन्वेस्टिगेशन, और बड़ा वाला एम क्या है, मोलर मास. तो हमारे एन की वैल्यू आ गई, तो हमारे एन की वैल्यू हम इसमें फिट कर सकते हैं. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, के फोर एम बाय कैपिटल एम. अब इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो मोलर मास हो गया वो क्या हो जाएगा, के फोर छोटा वाला एम अपॉन वी, और एम बाय वी क्या होता है हमारा, डेंसिटी. तो हमारा जो मोलर मास हो गया वो क्या हो जाएगा, के फोर इंटू डेंसिटी. यहाँ पे डी जो है वो डेंसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है गैस की वो उसके मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस. हालांकि ये गैस हाइपोथेटिकल है, ऐसी कोई गैस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते ही नहीं है. जो रियल गैसेज होती हैं वो इन लॉज को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही फॉलो करती हैं, जब फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हो जाता है. सो बाकी इस सब सिचुएशन में वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट ही करती है. तो एक हो गई हमारी आइडियल गैस जो कि हाइपोथेटिकल है, दूसरी जो सब गैसेस होती हैं वो होती है हमारी रियल गैसेस, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही इन लॉज को फॉलो करती है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में. सो ये जो तीन लॉज हमने पढ़े उनको हम एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. तो
तो अब हमें पता चल गया कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यानी कि टी और एन कांस्टेंट है, तो हमारा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/P के, जो कि हमारा बॉयल्स लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है और नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हमारा जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टी के, जो कि हमारा चार्ल्स लॉ है। और तीसरा क्या बोलता है कि अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रहा तो हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एन के, जो कि है एवोगैड्रो लॉ। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हमारा वी यहाँ पे आ रहा है, तो वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, यानी कि वी विल बी इक्वल्स टू आर एन टी अपॉन पी। ठीक है, आर जो है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया है हमने, तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, पी को हम इधर लेके गए, तो ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, पी वी अपॉन एन टी। अब आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, हर एक गैस के लिए सेम होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जो हमारा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आया, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हुई। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, आर इज इक्वल्स टू पी वी बाय एन टी, ये क्या शो कर रहा है कि आर जो है वो पी वी टी इन तीनों की यूनिट पे बेस्ड रहेगा। सो अगर तीन वेरिएबल हमें पता है इक्वेशन में तो हम चौथा इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इस इक्वेशन से हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो एन मोल्स हैं किसी भी गैस के, उनकी वॉल्यूम सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वी जो है वो आ रहा है हमारा आर एन टी अपॉन पी, और एन आर टी पी जो है वो कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन जो है वो किसी भी गैस पे हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस में जब जो गैस का बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है तब। अब जो वॉल्यूम है एक मोल आइडियल गैस का अंडर एसटीपी कंडीशन, वो मैंने बता ही दिया कितना होगा, 22.71 लीटर्स पर मोल। तो अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें एक मोल आइडियल गैस के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आर इज इक्वल्स टू पी वी बाय एन टी। तो हम जो है एसटीपी वाली कंडीशन ले रहे हैं, तो हमारा प्रेशर क्या रहेगा, 10^5 पास्कल। वॉल्यूम क्या है हमें पता ही लग गई, 22.71 इंटू 10^-3 मीटर्स क्यूब अपॉन जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 1 मोल इंटू जो हमारा टेम्परेचर है वो है 273.15 केल्विन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे आर की वैल्यू रहेगी। और एसटीपी कंडीशंस पे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेके चल रहे हैं तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8.20578 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो सिर्फ ये चीज बदलेगी, ये ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यू जो है 8.3 है इसमें 8.2। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन जो है इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल्स एंड इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो चार वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है, और कोई भी गैस होती है उसकी स्टेट वो बता देती है, इसीलिए हम उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब सपोज करो टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का, वो T1 V1 P1 से बदल के T2 V2 और P2 हो रहा है, तो हम जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, P1 V1 by T1 is equals to NR, और दूसरी तरफ P2 V2 by T2 is equals to NR, यानी कि ये दोनों ही NR के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गई, यानी कि P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। अब ये वाली जो इक्वेशन है बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है हमारी, तो इनमें से अगर 6 में से हमें 5 वेरिएबल्स पता हो तो हम छठा वेरिएबल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाली जो इक्वेशन है हमारी P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, इसको हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं। अब हम जो हमारी गैशियस सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी और मोलर मास के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने देखी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होती है, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये क्या हो सकती है, एन बाय वी इज इक्वल्स टू पी बाय आर टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एम बाय एम, उससे एन को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम अपॉन कैपिटल एम वी इज इक्वल्स टू पी आर टी। सो एम बाय वी क्या है हमारा, डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाय एम इज इक्वल्स टू पी बाय आर टी। ठीक है, यानी कि
अगर हम इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज करें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइंस को, तो क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन पी। इस तरीके से अगर हमें डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमें डेंसिटी और प्रेशर दे रखा है, मोलर मास कैलकुलेट करने को बोला है, तो वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये लॉ जो है वो डाल्टन ने फॉर्मुलेट किया था 1801 में। इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो इसमें क्या बोला गया कि जो हमारी नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, अगर वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, हर एक जो गैस है इंडिविजुअल उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। यानी कि जो प्रेशर है विच दीज गैस वुड एक्सर्ट इफ दे वर एनक्लोज सेपरेटली इन द सेम वॉल्यूम एंड अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ऐसे प्रेशर जो ये गैसेस एक्सर्ट करेंगी, अगर हम उनको अलग अलग कंटेनर्स में एनक्लोज कर दें लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रखें तो। सो इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो एक मिक्सचर में अगर बहुत सारी गैसेज हैं, उन गैसेस में अगर हम एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर देखें, तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। यानी कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो पी टोटल विल बी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री और ये चलता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर जो हमारा गैसेस का मिक्सचर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है, और पी वन पी टू पी थ्री क्या है, पी वन जो है वो फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर है, पी टू सेकेंड गैस का है, और पी थ्री थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर है। अब गैसेस जो हैं उनको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, इसलिए वो मॉइस्ट रहती हैं। नाउ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर्स ऑल्सो। तो अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसे टोटल वेपर प्रेशर से माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। जो प्रेशर हमारा सैचुरेटेड वाटर वेपर एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन। सो एक इक्वेशन और है इसमें, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। तो वाटर की जो एक्वस टेंशन है अलग अलग टेम्परेचर्स पे वो कैसी दिखती है हमें ये देखो। जैसे 273 वाला टेम्परेचर है तो उस पर प्रेशर जो है वो 0.0060 रहेगा, 283 पे 0.0121, 288 पे 0.0168, 291 पे 0.0204, तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो वो कैसे देख सकते हैं हम, सपोज करो टेम्परेचर टी पे तीन गैसेस हैं हमारी जो कि वॉल्यूम वी में बंद हैं, और वो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं अलग अलग पी वन पी टू पी थ्री। तो अगर हम हमारी गैस वाली इक्वेशन लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, पी वन विल बी इक्वल्स टू एन वन आर टी बाय वी, ऐसी पी टू क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू एन टू आर टी बाय वी, और पी थ्री हो जाएगा हमारा एन थ्री आर टी बाय वी। तो एन वन एन टू एन थ्री क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है इन गैसेस के। तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा हमारा टोटल प्रेशर का, वो हमने क्या पढ़ा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। तो अगर हम एन आर टी बाय वी वाली वैल्यू इनमें डालेंगे तो क्या होगा, एन वन आर टी बाय वी प्लस एन टू आर टी बाय वी प्लस एन थ्री आर टी बाय वी। तो इसमें आर टी बाय वी हमारा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री कॉमन आर टी बाय वी, ठीक है। अब अगर हम पी वन को पी टोटल से डिवाइड करें, यानी कि पी वन अपॉन पी टोटल अगर हम करें, तो हमारे पास क्या आएगा, P1 का क्या है हमारा N1 और P total का क्या है N1 plus N2 plus N3, ये रहेगा ब्रैकेट में और ऊपर भी RTV और नीचे भी RTV, तो RTV RTV कट जाएगा, तो फाइनल क्या बच जाएगा हमारे पास, N1 upon N1 plus N2 plus N3। तो N1 plus N2 plus N3 को हम N ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, N1 by N is equals to X1। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है पहली गैस का, यानी कि फर्स्ट गैस का। तो जो हमारा P1 क्या है वो क्या हो जाएगा, P1 will be equals to X1 P total। अब यहाँ पे जो P1 X1 है वो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट गैस के, या फिर हम इसको अगर I लिख दें तो ith गैस के या nth गैस के जो हम बोलते हैं वो। तो अगर हमें टोटल प्रेशर पता है एक मिक्सचर का, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके जो इंडिविजुअल गैसेस हैं उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आज के, जो कि है काइनेटिक एनर्जी
एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी गैसेस के, वो एक कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं और मूव करते वक्त वो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उससे भी कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड और उनके जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जो स्पीड है और एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के, गैस के, किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम नहीं होगी, इसीलिए एक एवरेज वैल्यू जो है स्पीड की वो निकालनी पड़ती है हमें। तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक सैंपल में और उन सबकी स्पीड अगर हम ले लें जैसे u1, u2, u3 से लेके un तक, तो जो एवरेज स्पीड है u एवरेज वो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेके un तक अपॉन n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो। अब जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन थे, दे शो दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने यह पता किया कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स है उसका जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेम्परेचर पे और गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है। मैक्सवेल डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग अ पर्टिकुलर स्पीड। तो मैक्सवेल ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया जिससे हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर स्पीड है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक ग्राफ दिखाने जा रही हूँ, यह है हमारा पहला ग्राफ। तो इसमें क्या शो हो रहा है, एक स्कीमेटिक प्लॉट दिखा रखा है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे। यह है हमारा T1 और यह है हमारा T2 का कर्व। तो T2 जो है वो T1 से हाई है, ये ध्यान रखना है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो उस पे आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स की इस प्लॉट में जो शो कर रखी है उसको हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। नाउ द ग्राफ शोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी बहुत हाई स्पीड है या बहुत लो स्पीड है, ऐसे नंबर बहुत कम है मॉलिक्यूल्स के। जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है आपको कर्व में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ऐसी स्पीड है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस कर रहे हैं और इस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि UMP, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो। नाउ दिस स्पीड इज वेरी क्लोज टू द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो एवरेज स्पीड है हमारे मॉलिक्यूल्स की उसके बहुत करीब वैल्यू आती है इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है हमारी वो भी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हाई टेम्परेचर पे ब्रॉडन अप होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये ज्यादा चौड़ा है और जो T1 है उसका ग्राफ थोड़ा स्टीप है और नैरो है। तो ब्रॉडनिंग क्या दिखाता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो कि हायर स्पीड पे मूव कर रहे हैं वो ज्यादा है। नाउ एट द सेम टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स विद हैवियर मास हैव स्लोअर स्पीड देन लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स। और अगर हम टेम्परेचर सेम रखें तो ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स जिनका मास ज्यादा है उनकी स्पीड जो है वो लाइटर गैस मॉलिक्यूल से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टेम्परेचर लाइटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन हैवियर क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, टेम्परेचर अगर हम सेम रखें तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो लाइट होते हैं तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे बजाय के जो हमारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि वो हैवियर होते हैं। इसीलिए एक गिवन टेम्परेचर पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं दे हैव हायर वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देन द क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी बजाय के क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब हम एक और कर्व देखने वाले हैं जो कि है मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्लोरीन और नाइट्रोजन गैस का। सो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इंडिविजुअल स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होती रहती है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का वो सेम रहता है। ये हमारा क्लोरीन के लिए हो गया और ये नाइट्रोजन के, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर स्पीड है, तो मॉलिक्यूलर स्पीड इसकी ज्यादा है जबकि क्लोरीन की कम है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है एक पार्टिकल की उसे हम कैसे देते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर से। देयरफॉर इफ वी वांट टू नो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन देन वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो अगर सपोज करो हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो क्या पता करना होगा, हमें जो यू स्क्वायर है उसका मीन पता करना होगा हमें सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, यू स्क्वायर जो मीन रहेगा इट विल बी इक्वल्स टू U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अप टू UN स्क्वायर अपॉन N। तो जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो डायरेक्ट मेजर रहेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक गैस मॉलिक्यूल के। तो अगर
If we take the square root of the mean of the square of speeds, then we get a value of speed which is different from most probable speed and average speed. अब क्या होगा अगर हम जो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी स्पीड की जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड से अलग होगी और ये स्पीड जो होगी इसका नाम हमने दिया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यू आर एम एस बोलते हैं हम इसको तो यू आर एम एस क्या होता है इट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कौन सा ये वाला ना रूट मीन स्क्वायर स्पीड एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है उसका रिलेशनशिप क्या होता है जो हमारा यू आर एम एस है वो सबसे ज्यादा होता है फिर यू एवरेज होता है और लास्ट में होता है हमारा यू एम पी यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और जो रेशो रहता है इन तीनों स्पीड्स के बीच में वो क्या रहता है यू एम पी इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस इज इक्वल्स टू 1:1.128:1.224 तो इसमें भी हमारा यू आर एम एस ज्यादा आ रहा है 1.224 यू एवरेज है 1.128 और यू एम पी है 1 से ठीक है क्लियर हो गया नाउ वी विल मूव टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस सो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली लेकिन जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है तो एक थ्योरी अटेम्प्ट की गई जिससे हम गैसेस के बिहेवियर को आराम से एक्सप्लेन कर पा रहे थे और इस थ्योरी को नाम दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो जिसके अजम्पशन और पोस्टुलेट्स है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के वो हम अब पढ़ने वाले हैं लेकिन एक बात यह है कि जो पोस्टुलेट्स हैं वो ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड हैं जो हम देख नहीं सकते इसीलिए यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम माइक्रोस्कोपिक मॉडल जो है गैसेस का उसको ध्यान में रख के इन पॉइंट्स की बात करें तो पहला क्या है गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स वेदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम अब इसमें बोला गया कि गैसेस में इतने सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं और वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं और इतनी दूर दूर होते हैं एक एवरेज पे कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल हो जाती है अगर हम उनके एम्प्टी स्पेस को कंसिडर करें तो उसके कंपेरिजन में उन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस तो इन पार्टिकल्स को हम पॉइंट मासेस की तरह कंसिडर करते हैं दिस अजम्पशन एक्सप्लेन्स द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस तो ये वाला जो अजम्पशन है ये हमें क्या बता रहा है कि गैसेस क्यों इतना ज्यादा कंप्रेस हो पा रही हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स का वो बहुत कम है दूसरा जो अजम्पशन है वो है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो पार्टिकल्स हैं गैस के उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता द सपोर्ट फॉर दिस अजम्पशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट गैसेस एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम तो इस चीज का सपोर्ट किससे आ रहा है कि जो हमारी गैसेस होती है वो एक्सपेंड कर जाती हैं और जितना भी स्पेस उनको हम अवेलेबल कराते हैं वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेती हैं इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है नहीं तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तीसरा जो है वो है पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट और एक रैंडम मोशन में प्रेजेंट रहते हैं अगर हम पार्टिकल्स को रेस्ट पे देखेंगे और देखेंगे कि वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं फिक्स पोजिशन तो वो गैस जो है उस पर एक फिक्स शेप होनी चाहिए लेकिन ये चीज होता नहीं है तो इसीलिए वो हमेशा मोशन में रहते हैं चौथा अजम्पशन है जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में सो अपने रैंडम मोशन के टाइम पे वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं नाउ द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वो किस वजह से होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल से जाके कोलाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ठीक है पांचवा जो पोस्टुलेट या अजम्पशन है वो है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक जो कोलिजन रहता है गैस मॉलिक्यूल का वो इलास्टिक होता है वो भी परफेक्टली इलास्टिक मतलब जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो सेम रहती है अब यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो जाता है एनर्जी का कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में लेकिन उनकी इंडिविजुअल एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन जो सम है एनर्जीज का वो कांस्टेंट रहता है अगर कोई लॉस भी हुआ काइनेटिक एनर्जी का तो जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो स्टॉप हो जाएगा और गैसेस जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी
लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं है. गैसेस हमेशा उठी हुई रहती हैं, हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहती हैं. नाउ सिक्स पोस्टुलेट इज एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके अलग अलग स्पीड्स होती हैं, इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जीज भी अलग अलग होती हैं. ये अजम्पशन रीजनेबल है बिकॉज एज द पार्टिकल्स कोलाइड वी एक्सपेक्ट देयर स्पीड टू चेंज. क्योंकि जैसे पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी स्पीड चेंज हो जाए. सो अगर इनिशियल स्पीड जो है सारे पार्टिकल्स की वो सेम भी हुई तो मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से उनकी ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनकी अलग अलग स्पीड्स होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहे. नाउ इट इज पॉसिबल टू शो दैट दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब ये देखने को मिला हमें कि हो सकता है इंडिविजुअल स्पीड जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स का वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट ही रहता है. देन लास्ट पोस्टुलेट इज इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी. तो यह कि मॉलिक्यूल की अगर स्पीड वेरी कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करनी चाहिए, और इन सर्कमस्टांसिस के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे. सो काइनेटिक थ्योरी में ये अज्यूम किया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एवरेज वाली गैस मॉलिक्यूल्स की, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है. एंड इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेज. अब हमें ये पता है कि अगर हम एक गैस को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और हीट करने पे जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ेगी, और वो ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेनर को बहुत तेजी से हिट करने लगेंगे, और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे, इसीलिए प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट हो. तो जो काइनेटिक थ्योरी हमारी गैसेस की, वो हमें जितने भी गैस लॉज हमने पढ़े उनको डिराइव करने में हमारी मदद करती. नाउ कैलकुलेशंस एंड प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अग्री वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड दस एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ दिस मॉडल. तो जो कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन हम इस थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हैं वो हमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में भी देखने को मिले हैं, इसीलिए ये हमारे इस मॉडल की करेक्टनेस दिखाती है, यानी कि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है वो एकदम सही है. ठीक है, क्लियर हो गई काइनेटिक थ्योरी. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, यानी कि जो आइडियल गैस बिहेवियर है उससे डेविएशन कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे. अब जो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल है गैसेस का वो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से करस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन डिफिकल्टीज अब आती है जब हम पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाले रिलेशन को यूज करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो रिलेशन है वो एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है गैसेस का. तो इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए हम पीवी वर्सेस पी का प्लॉट लगाएंगे गैसेस का, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे पीवी जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और पीवी वर्सेस पी जो है ग्राफ है हर एक प्रेशर पे वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे. तो ये प्लॉट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है वो प्लॉट. तो ये प्लॉट क्या दिखा रहा है, एक्चुअल डेटा है कुछ गैसेस का जो कि 273 केल्विन पे वो शो करती है. तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी वर्सेस पी प्लॉट जो है रियल गैसेस के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है. आइडियल गैस के लिए तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन इन रियल गैसेस के लिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है. सिग्निफिकेंट डेविएशन दिखाई दे रहा है आइडियल बिहेवियर से. दो तरीके के कर्व दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो हाइड्रोजन और हीलियम वाला कर्व है हमारा, उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है पीवी की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट है वो बाकी गैसेस में दिख रहा है जैसे सीओ में और CH4 में. तो ये क्या दिखा रहा है कि पहले नेगेटिव डेविएशन हो रहा है आइडियल बिहेवियर से, नीचे जा रहा है ग्राफ दोनों में ही, पीवी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो लेकिन बाद में जो है एक मिनिमम वैल्यू आ रही है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इस गैस की, और उसके बाद पीवी जो है वो बढ़ना चालू कर रहा है. मतलब स्टार्टिंग में पीवी घटेगा, एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, और उसके बाद वो बढ़ना चालू करेगा. सो कर्व जो है उसके बाद जो आइडियल गैस वाला लाइन है उसे भी क्रॉस करके ऊपर जा रही है, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है कंटिन्यूअस तरीके से. दस इट इज फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशन. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन में परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाती हैं. नाउ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑल्सो बिकम्स अपरेंट When pressure versus volume plot is drawn, जो कि आपको दूसरा ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो उससे भी हम आइडियल बिहेवियर का डेविएशन देख सकते हैं.
तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा का दिखाएं, यानी कि रियल गैस और जो हमारी थियोरेटिकली आइडियल गैस है उसका देखें, तो अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या अपरेंट है कि बहुत हाई प्रेशर पे जो हमारी मेजर्ड वॉल्यूम है यानी कि रियल गैसेस की, वो हमारी कैलकुलेटेड वॉल्यूम से ज़्यादा है। लो प्रेशर पे जो मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। तो इससे ये पता चला कि रियल गैसेस जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हर कंडीशन में परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाती हैं। अब इसकी वजह से दो प्रश्न हमारे सामने आए, क्या कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं, और दूसरा ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसमें गैसेस जो हैं वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें जो काइनेटिक थ्योरी है उसके पोस्टुलेट से मिल जाता है, लेकिन जो दो अजम्पशंस हैं काइनेटिक थ्योरी के वो सही नहीं हैं। अब वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं? पहला है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब अजम्पशन ए को अगर हम करेक्ट माने तो गैस जो है वो कभी लिक्विफाई ही नहीं होगी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो, लेकिन हमें पता है कि गैसेस लिक्विफाई होती हैं जब हम उनको कूल करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं। दूसरी तरफ लिक्विड्स जो बनते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने के। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो मॉलिक्यूल्स की स्क्वैशिंग को प्रिवेंट करता है। दूसरी तरफ अगर हम अजम्पशन बी को करेक्ट माने कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत छोटी है, तो जो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ है रियल गैस का और आइडियल गैस का वो कॉन्साइड करना चाहिए, लेकिन वो कॉन्साइड नहीं कर रहा है हमारा। तो रियल गैस जो है उनमें कुछ डेविएशंस दिखाई देते हैं आइडियल गैस से, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हाई प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होना चालू हो जाते हैं। इसी तरीके से हाई प्रेशर पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स को फुल इम्पैक्ट से स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू पीछे खींच लेते हैं। Now this affects the pressure exerted by the molecules on the walls of the container, जिसकी वजह से जो वो pressure exert कर रहे हैं उस पर इफेक्ट आता है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हमारी गैस वो लोअर हो जाएगी उस प्रेशर से जो कि हमारी आइडियल गैस एग्जर्ट कर रही है। तो जो हमारा पी आइडियल है इट विल बी इक्वल्स टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये करेक्शन टर्म है हमारी, यहाँ पे ए एक कॉन्स्टेंट है। अब जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं हमारे वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो है वो शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस होते हैं, और ये जब सिग्निफिकेंट होते हैं जब हमारे मॉलिक्यूल्स एकदम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ऑलमोस्ट। सो ये सिचुएशन हमारे हाई प्रेशर पे रहती है। अब रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से बिहेव करवाते हैं कि वो छोटे हों लेकिन इनपेनिट्रेबल स्फीयर्स हों। हैं तो वो छोटे स्फीयर्स लेकिन उनको कोई पेनिट्रेट ना कर सके। Now the volume occupied by the molecules also become significant because instead of moving in volume V, these are now restricted to volume V minus NB. दूसरी तरफ जो हमारी volume है जो occupy कर रहे हैं molecules वो भी significant होती है, क्योंकि volume V में move करने की बजाय अब इनके पास V minus NB ये वाली volume जो है वो बच गई है, जहाँ पे NB जो है वो approximately total volume है जो हमारे molecules खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बी कॉन्स्टेंट लिया है हमने। तो अगर हम हमारी पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या लिखेंगे? पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम बोलते हैं वांडरवाल्स इक्वेशन। इस इक्वेशन में एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। कॉन्स्टेंट ए और बी जो है वो वांडरवाल्स कॉन्स्टेंट है, और उनकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ए की जो वैल्यू है इट इज़ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन द गैस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो ए की वैल्यू है वो किस चीज़ को मेजर करती है? कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है उनका मैग्नीट्यूड क्या है गैस के अंदर, और टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है ए की वैल्यू। दूसरी तरफ बहुत कम टेम्परेचर पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं हमारे वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो एवरेज स्पीड के साथ ट्रैवल करेंगे उनको हम एक दूसरे के साथ कैप्चर करा सकते हैं, मींस दे कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो
रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर जब शो करेंगी जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इस तरीके से है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल हैं। तो जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर जब शो करेंगी जब हमारा प्रेशर जो है वो जीरो पे अप्रोच कर जाएगा। नाउ द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड विच इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट पीवी एंड एनआरटी। तो अगर हमें आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करना है उसको मेजर करना है तो उसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है हमारा जेड उसकी फॉर्म में कर सकते हैं क्योंकि ये पीवी बाय एनआरटी का रेशियो होता है। आइडियल गैसेस के लिए जेड जो है वो वन होता है हर एक टेम्परेचर पे हर एक प्रेशर पे क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी हो जाएगा। अब अगर हम जेड वर्सेस पी का ग्राफ लेके आएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि प्रेशर एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब गैसेस जो कि आइडियलिटी से डेविएट करती हैं उनके लिए जो जेड की वैल्यू है वो भी वन से डेविएट करेगी। एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस शोन हैव जेड इज इक्वल्स टू वन एंड बिहेव एज आइडियल गैस। तो बहुत लो प्रेशर पे ऐसी गैसेस जिनका जेड इज इक्वल्स टू वन है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। हाई प्रेशर पे जितनी भी गैसेस होंगी उनका जेड जो है वो वन से ज्यादा हो जाएगा तो उनको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट प्रेशर पे मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है उनका जेड वन से कम होता है। दस गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट। तो हमारी जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर कब शो करेंगी जब वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो एकदम नेग्लेक्टेड हो जाएगा एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द बिहेवियर ऑफ द गैस बिकम्स मोर आइडियल व्हेन प्रेशर इज वेरी लो यानी कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होगा तब हमारी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। नाउ अप टू व्हाट प्रेशर अ गैस विल फॉलो द आइडियल गैस लॉ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड इट्स टेम्परेचर। अब कितने टेम्परेचर तक हमारी गैस जो है वो आइडियल गैस लॉ फॉलो करेगी ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो हमारी गैस का नेचर क्या है दूसरी तरफ उसका टेम्परेचर क्या है। नाउ द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जिसपे हमारी एक रियल गैस आइडियल गैस लॉ को ओबे करेगी और वो भी एक प्रेशर के रेंज में तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, या तो बॉयल टेम्परेचर या फिर बॉयल पॉइंट। नाउ बॉयल पॉइंट जो है गैस का वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। अपने बॉयल पॉइंट से ऊपर जो रियल गैसेस हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी आइडियलिटी से और उनकी जेड वैल्यू जो है वो वन से ज्यादा होगी। ओके, नाउ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल। अब जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत थोड़ा सा होता है और बॉयल टेम्परेचर के नीचे जो रियल गैस रहेंगी हमारी वो पहले तो जेड की वैल्यू में डिक्रीज शो करेंगी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद वो एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचेंगी और उसके बाद अगर हमने प्रेशर वापस बढ़ाया तो वो फिर इंक्रीज शो करेंगी जेड की वैल्यू में। तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि अगर लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तो हमारी गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। अब ये कंडीशंस भी अलग अलग गैसेस के लिए डिफरेंट रहती। नाउ इफ द गैसेस शो आइडियल बिहेवियर देन वी आइडियल विल बी इक्वल्स टू एनआरटी बाय पी। अब अगर हमें पता है कि एक गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है तो वी आइडियल क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय पी। अब अगर हम ये एनआरटी बाय पी की जो वैल्यू है उसे हमारी एक इक्वेशन है जेड इज इक्वल्स टू पी वी रियल अपॉन एनआरटी, अगर इसमें हम एनआरटी बाय पी की वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जेड विल बी इक्वल्स टू एनआरटी बाय पी की वैल्यू क्या है, वी आइडियल। तो वी रियल ऊपर रहेगा और वी आइडियल जो है वो नीचे आ जाएगा। So Z will be equals to V real upon V ideal. Now through this equation we can see that compressibility factor is the ratio of actual molar volume of a gas to the molar volume of it if it were an ideal gas at that temperature and pressure. So compressibility factor kya ho gaya, molar volume of gas upon molar volume of gas if it acts as an ideal gas. Matlab real gas ka molar volume upon ideal gas ka. Matlab agar wohi gas hamare ideal gas ki tarah behave kar rahi hai, to jo uska molar volume hoga, wo niche aaye. Theek hai? Ab aage aane wale sections mein hum ye dekhne wale hain ki agar ek gaseous state aur liquid state ke beech mein hum distinguish kare, to ye possible nahi hai. Hum liquid state ko as a continuum of gas phase bhi maan sakte hain. Into region of small volumes and very high molecular attraction. मतलब कि बहुत ज़्यादा attraction हो molecular
और बहुत कम वॉल्यूम हो तो हम लिक्विड फेज को गैस फेज का एक कंटिन्यूस फेज मान सकते हैं, कंटिन्यूम मान सकते हैं। तो आते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पे। तो उस पे जाने से पहले एक और ग्राफ आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये वाला। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वेरिएशन दिखा रहा है अलग अलग गैसेस के लिए। तो कुछ गैसेस हैं जिसमें डायरेक्टली ऊपर ही जा रहा है, कुछ में वही है थोड़ा सा सीधा जाके ऊपर जा रहा है, किसी में नीचे जाके फिर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। सो फर्स्ट कंप्लीट डेटा ऑन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशंस ऑफ अ सब्सटेंस इन बोथ गैसियस एंड लिक्विड स्टेट वॉज ऑब्टेन्ड बाय थॉमस एंड्रयूज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला कंप्लीट डेटा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन का एक सब्सटेंस का दोनों ही स्टेट्स में, चाहे वो गैसियस हो चाहे वो लिक्विड हो, किसने ऑब्टेन किया था, थॉमस एंड्रयू ने, और वो भी किस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ ही प्लॉटेड आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर्स। अब उन्होंने कुछ आइसोथर्म्स जो हैं वो प्लॉट किए कार्बन डाइऑक्साइड के अलग अलग टेम्परेचर्स पे। बाद में ये पता चला कि रियल गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही बिहेव करती हैं। सो एंड्रयू नोटिस दैट एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म्स लुक लाइक दैट ऑफ एन आइडियल गैस एंड द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन एट वेरी हाई प्रेशर। तो एंड्रयू ने नोटिस किया कि अगर टेम्परेचर हाई हो गया हमारा, तो हाई टेम्परेचर पे जो आइसोथर्म्स हैं वो आइडियल गैस के आइसोथर्म्स की तरह लग रहे हैं, और चाहे हम कितना भी प्रेशर बढ़ा दें वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन जब हमने टेम्परेचर लोअर डाउन किया तो जो शेप थी कर्व की वो चेंज हो गई, और हमें ये देखने को मिला कि आइडियल गैस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डेविएशन हो रहा है। अब क्या है, एट 30.98 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स गैस अप टू 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज पॉइंट ई। अब 30.98 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है उस पे हमारी जो CO2 है वो गैस की तरह रह रही है, अगर हमने प्रेशर 73 ATM रखा तो। नाउ एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहली बार अपीयर होना चालू होती है। सो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेल्सियस का, ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज TC कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर वो गैसियस फॉर्म में दिखेगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। अब दूसरी तरफ अगर हम एक मोल गैस का वॉल्यूम देखें क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो वो होगा क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसी टेम्परेचर पे अगर हम उसका प्रेशर देखें तो वो होगा क्रिटिकल प्रेशर। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है इनको हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन प्रेशर सिंपली कंप्रेसेस द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कर्व रिप्रेजेंट्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। अब क्या हो रहा है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंप्रेस होगा, और कर्व यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा लिक्विड जो है वो कंप्रेस होता जाएगा। द स्टीप लाइन रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्म ऑफ लिक्विड। ये जो हमारी स्टीप लाइन दिख रही है ये हमारा आइसोथर्म है लिक्विड का, ठीक है। नाउ इवन अ स्लाइट कंप्रेशन रिजल्ट इन स्टीप राइज इन प्रेशर इंडिकेटिंग वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो अगर हम थोड़ा सा भी कंप्रेशन बढ़ाएंगे तो उससे क्या है, जो प्रेशर है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो क्या शो करेगा कि लिक्विड जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी काफी लो है। अब 30.98 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो गैसेस का बिहेवियर है कंप्रेशन पे वो काफी डिफरेंट होता है। जैसे हम 21.5 डिग्री सेल्सियस वाला अगर पॉइंट लें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की तरह रह रही है, लेकिन सिर्फ बी पॉइंट तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक सिर्फ बी पॉइंट तक वो गैस की फॉर्म में रह रही है। पॉइंट बी पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का लिक्विड जो है वो अपीयर हो रहा है, फिर फर्दर कंप्रेशन की वजह से ये प्रेशर चेंज नहीं होगा। अब जो लिक्विड और गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक साथ रह रहे हैं दोनों फेज जो है उसके वो, और अगर हमने दोबारा और आगे प्रेशर बढ़ाया तो उसकी वजह से जो गैस है उसका और ज्यादा कंडेंसेशन होगा जब तक कि पॉइंट सी नहीं आ जाता तब तक। अब सी पॉइंट पे जितनी भी गैस थी हमारी वो कंडेंस हो गई है, और अगर हमने इसके बाद भी प्रेशर लगाया तो हम जो अपना लिक्विड है उसको कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये स्टीप लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ अ स्लाइट कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V3 रिजल्ट्स इन स्टीप राइज इन प्रेशर फ्रॉम P2 टू P3। अब क्या है,
अगर हमने वी टू से वी थ्री पे कंप्रेशन किया, थोड़ा सा ही कंप्रेशन किया, तो जो पी टू से पी थ्री का जो हमारा प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, स्टीप राइज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप 30.98 डिग्री सेल्सियस के नीचे हर एक कर्व जो है वो एक ही तरह का ट्रेंड दिखा रहा है। ये 30.98 डिग्री सेल्सियस है, इसके नीचे ये वाला कर्व भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी इसी तरीके से जा रहा है। सारे कर्व्स एक जैसा ही ट्रेंड शो कर रहे हैं, सिर्फ जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लाइन की वो लोअर टेम्परेचर्स पे बढ़ती जा रही है। जैसे 21.5 डिग्री सेल्सियस पे इतनी थी, 13.1 पे और ज़्यादा बढ़ गई। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द आइसोथर्म मर्जेस इनटू वन पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होते हैं आइसोथर्म्स के वो एक पॉइंट पे मर्ज कर जाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दैट अ पॉइंट लाइक ए, यहाँ पे जो ए दिख रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द गैशियस स्टेट, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पे आके मर्ज हो रही है इस वाली लाइन पे। नाउ अ पॉइंट लाइक डी रिप्रेजेंट्स लिक्विड स्टेट। अब एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे डी, ये वाला, जो कि लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अ पॉइंट अंडर द डोम शेप्ड एरिया रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम। और ये जो डोम शेप एरिया है, इसके नीचे अगर कोई भी पॉइंट आता है तो वो क्या शो करेगा कि हमारी गैसियस फेज और लिक्विड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में है कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ऑल द गैसेस अपॉन कंप्रेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, शो द सेम बिहेवियर एज शोन बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितनी भी गैसेज होंगी हमारी, अगर हम उनको कंप्रेस करेंगे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, जिसको हम आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसा बिहेवियर ही शो करेंगी। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो गैसेस हैं उनको हमें उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कूल करना चाहिए लिक्विफैक्शन के लिए। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है गैस का, वो मैंने बता ही दिया, हाइएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे लिक्विफैक्शन जो है गैस का सबसे पहले होता है। सो द लिक्विफैक्शन ऑफ सो कॉल्ड परमानेंट गैसेस, दैट इज गैसेस विच शोज कंटिन्यूस पॉजिटिव डेविएशन इन जेड वैल्यू, रिक्वायर्स कूलिंग एज वेल एज कंसिडरेबल कंप्रेशन। अब अगर हम परमानेंट गैसेस का लिक्विफैक्शन करें, परमानेंट गैसेस क्या होती हैं, ऐसी गैसेस जो कि लगातार जेड की वैल्यू में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं वो, तो अगर हमने परमानेंट गैसेस का लिक्विफैक्शन कराया तो उसके लिए हमें कूलिंग की भी ज़रूरत है और कंप्रेशन की भी ज़रूरत है। सो कंप्रेशन से क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे पास पास, जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे हमारे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे। और कूलिंग की वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस हैं वो हमारे स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखेंगे और गैस जो है हमारी वो लिक्विफाई हो जाएगी। Now it is possible to change a gas into liquid or a liquid into gas by a process in which always a single phase is present. तो अगर हमें एक गैस को लिक्विड में चेंज करना है या लिक्विड को गैस में चेंज करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस के थ्रू जिसमें एक सिंगल फेज प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये फिगर लें हम जो आपको दिखाई दे रहा है, हम इसमें पॉइंट ए से एफ पे जा रहे हैं सपोज करो, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करके हम जा रहे हैं, तो हम पॉइंट जी पे पहुंच सकते हैं बाय कंप्रेसिंग द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अलोंग दिस आइसोथर्म। इस आइसोथर्म के अलोंग हम जी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अगर हम गैस को कंप्रेस करें, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब हम नीचे जा रहे हैं डी की तरफ, डी की तरफ कैसे जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो हम डी की तरफ जा पाएंगे। नाउ एज सून एज वी क्रॉस द पॉइंट एच ऑन द क्रिटिकल आइसोथर्म वी गेट लिक्विड। लेकिन जैसे ही हम एच पॉइंट को क्रॉस करेंगे डी की तरफ जाने के लिए, तो हमें लिक्विड जो है वो मिल जाएगा। Now we end up with liquid, but in this series of changes, we do not pass through two-phase region. अब यहाँ पे हमें liquid मिल रहा है, we are ending up with liquid, लेकिन हम यहाँ पे दो-phase region से गुजर नहीं रहे हैं। तो अगर process को हम एक critical temperature पे carry out करते हैं, तो substance जो है वो हमेशा एक ही phase में रहेगा, ठीक है? इसीलिए जो gaseous और liquid phase होती है हमारी, या जो liquids और gaseous state होती है, उसमें एक continuity बनी रहती है। इसीलिए हम जो liquid और गैस है उन दोनों के लिए ही हम फ्लूड टर्म जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है? इस कंटिन्यूटी को हमें दर्शाना होता है, इस वजह से हम इस टर्म को यूज करते हैं। सो एक लिक्विड को हम कैसे व्यू कर सकते हैं कि वो एक बहुत ही घनी गैस है, इट इज अ वेरी डेंस गैस। अब लिक्विड और गैस को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है, सो हम जब ही कर सकते हैं व्हेन द फ्लूड इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम लाई अंडर द डोम। Since in that situation, liquid and gas are in equilibrium and a surface separating the two phases is visible.
तो हम जब भी इसको कर सकते हैं अगर हमारा जो फ्लूड है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम जो है वो इस डोम के अंदर आ रहा है, क्योंकि इस डोम के अंदर जो हमारी लिक्विड और गैस है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं और एक सरफेस जो उनको सेपरेट करती है वो विजिबल रहती है. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस सरफेस देयर इज नो फंडामेंटल वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टू स्टेट्स. लेकिन अगर ये सरफेस नहीं रही तो हम उन दो स्टेट्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. नाउ एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड पासेस इनटू गैशियस स्टेट इम्परसेप्टिबली एंड कंटिन्यूअसली एंड द सर्फेस सेपरेटिंग द टू फेज डिसअपीयर्स. तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो गैशियस फेज में एक दूसरे के, मतलब जो लिक्विड है वो गैशियस फेज में चला जाएगा, जो गैस है वो लिक्विड फेज में घुल जाएगी, मिल जाएंगी एक दूसरे से, और जो सर्फेस उनको सेपरेट कर रही है वो डिसअपीयर हो जाएगी. Now, a gas below the critical temperature can be liquefied by applying pressure and is called vapor of the substance. अब एक गैस को अगर हमें liquefy करना है तो हम critical temperature से नीचे उसको liquefy कर सकते हैं, लेकिन अगर हम pressure apply करें तो, और इस चीज़ को हम बोलते हैं vapor of the substance. अब जो carbon dioxide gas है जैसे, तो critical temperature के नीचे हम उसको carbon dioxide gas नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे carbon dioxide vapor. अब जो हमारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उनके अलग अलग क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं. जैसे हमारा जो हाइड्रोजन है उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 33.2, क्रिटिकल प्रेशर है 12.97 बार, और जो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम है वो है 0.0650. इसी तरीके से अगर हम N2 लें तो उसका टेम्परेचर रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 126, क्रिटिकल प्रेशर रहता है 33.9, और वॉल्यूम रहती है 0.0900. तो इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जिनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम है वो अलग अलग रहते हैं. ठीक है, सो क्लियर हो गया. सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज वाला लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा. मैं जानती हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया है लेक्चर, बट गाइज बिलीव मी, इसको एक साथ देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ समझ में आएगी. इसको मैंने इसीलिए पार्ट्स में नहीं लिया कि पूरा गैशियस स्टेट एक बार में ही कवर हो जाएगा, और कोई भी चीज़ होगी तो आप लेक्चर को आगे पीछे करके उसी में देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ाई थी, तो जिसकी वजह से जो रिलेट करते हुए एक दूसरे से चीज़ों को वो इजी हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लास्ट पार्ट रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें. ठीक है, ये पूरा लेक्चर देखना तभी समझ में आएंगी सारी चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करना ज़रूरी. ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लें. ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा या प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.